क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित चंदन सांडी एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी के अपने एवं सबसे खास लोकप्रिय कार्यक्रम कुंडली दर्शन। दर्शकों, इस कार्यक्रम में आज बात करेंगे बॉलीवुड के दबंग खान भाईजान सलमान खान के बारे में। जी हाँ, आज आप सभी जानते हैं कि उनका जन्मदिन भी है, तो हमारे तरफ से सलमान खान साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उनके फैंस जो उनके लिए काफ़ी सारे हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं, उनके कुछ विशेष फैंस के आग्रह पर आज इस कार्यक्रम को करने की मुझे जरूरत पड़ी। जी हाँ, कुछ ऐसे फैंस भी थे जिन्होंने बोला, गुरुजी आप सलमान खान साहब की कुंडली उनके जन्मदिन पर बनाएं, उनके कुंडली का विश्लेषण करके बताएं। आखिर क्यों? आप सभी जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि बॉलीवुड के बहुत सारे स्टार हैं जिसमें एक अलग पहचान भाईजान सलमान खान बनाते जा रहे हैं। कभी उनका नाम भाईजान, कभी सुपरस्टार, कभी दबंग खान, कभी सल्लू मियां। और उनके जीवन के पहलुओं पर यदि हम गौर से देखते हैं तो कभी तो विवादों से बहुत गहरा नाता है, तो कभी कामयाबी की ऊंचाई पर वो पहुंच जाते हैं। ऐसी कौन सी बात है, कौन सी खासियत है उनके जन्म पत्रिका में कि उनको सुपरस्टार बना रखा है? इतना ही नहीं, देश के साथ साथ आज विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां उनके फिल्मों को काफी पसंद किया जाता है। इसके साथ आप सभी जानते हैं कि टेलीविजन पर भी यदि वो आते हैं तो अब तक के सबसे महंगे होस्ट बिग बॉस शो के कारण सलमान खान साहब हैं। बिग बॉस में उनकी सिर्फ एक दिन की शूटिंग करने आते हैं, दो दिन का एपिसोड एक दिन में शूटिंग कर ले जाते हैं और कई करोड़ों रुपए वो लेकर जाते हैं। आखिर स्पॉन्सर या चैनल वाले उन पर इतना भरोसा कैसे करते हैं, इतना पैसा कैसे लगाते हैं? क्योंकि सबको पता है, अब आप बोलेंगे कि उनकी उपस्थिति ही कामयाबी की गारंटी है, तो आखिर कामयाबी मिली कैसे? और भी जीवन के बहुत सारे अनछुए पहलू के बारे में इस जन्म पत्रिका सलमान खान साहब की जन्म पत्रिका के विश्लेषण में बात करेंगे। करेंगे अब सलमान खान की कुंडली का कुंडली दर्शन। जी हाँ, अब आपके स्क्रीन पर देखिए सलमान खान साहब की कुंडली दिख रही है। मेष लग्न की जन्म पत्रिका है उनकी और उनकी राशि जो बनती है वो कुंभ राशि बनती है। अब आप सभी देखें कि मेष लग्न वाले, सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि मेष लग्न वाले जातक होते कैसे हैं। थोड़े जिद्दी, थोड़े हुट्टी दिमाग के, बहुत जल्द ही शीघ्र ही यदि देखें तो उनका गुस्सा सर पे आ जाता है। लेकिन आप बोलेंगे सलमान खान साहब तो दयालु भी हैं। जी बिल्कुल है, उसका भी मैं यहां पर विस्तार से बताऊंगा, लेकिन ये कुछ स्वभाव हैं उनके, इस बात को आप भी समझते हैं। अक्सर उनका गुस्सा रूप, उनका रौद्र रूप, उनका दबंग रूप, उनका दबंग अवतार आप लोगों ने देखा है। लेकिन चलिए इस बात को हम बाद में विचार करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि उनकी जन्म पत्रिका में आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके वजह से वो सफल स्टार बन गए। उससे पहले एक और जरूरी बात आपको बताना चाहेंगे कि आखिर सलीम खान साहब के घर में जाने माने राइटर, 16 फिल्म जिन्होंने लिखा है और भी बहुत सारे प्रसिद्ध फिल्म लिखा है, उनके यहां इनका जन्म हुआ तो कैसे हुआ? देखिए, पूर्वाजित कर्मों का घर कौन सा है इस बात को समझना होगा। पूर्वाजित कर्म का घर कुंडली का पांचवा घर है। अब इनके कुंडली में चूंकि लग्न इनका मेष राशि है तो पांचवें नंबर का घर ही इनका पांचवा राशि, जहां पांच नंबर लिखा हुआ है वही उनका पांचवा घर भी है। अब पांचवें घर का स्वामी कौन है? सूर्यदेव है। अब वो देखिए गए कहां है, वो बैठे कहां है?
पूर्वाजित कर्मों के स्वामी सूर्यदेव गए हैं, पिता वाले भाव पिता वाले घर में ही जाके बैठे हैं और भाग्य स्थान में धर्म स्थान में बैठे हैं। इसका मतलब पूर्व जन्मों में इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत अच्छे कर्म किए थे जिसके वजह से इनको एक मशहूर जाने माने फिल्म स्क्रिप्ट राइटर के घर में इनका जन्म हुआ। इतना ही नहीं, सूर्य पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि भी है जो भाग्य स्थान के स्वयं स्वामी हैं और भाग्य स्थान पर गुरु सूर्य को देख भी रहे, पंचमेश को भी देख रहे, तो पूर्वाजित कर्म के स्वामी को भी देख लिए, प्लस पंचमेश का भाग्य स्थान में जाना, प्लस एक और बात, भाग्य स्थान के स्वामी भाग्य स्थान को देख रहे हैं तो भाग्य के ये बलवान बन जाते हैं। अब यहां पर एक बात और विचार करना है कि आखिर इतने बड़े सुपरस्टार कैसे बन गए। अब देखो, मेष लगन वाले जातक का लग्न का स्वामी जो बनते हैं वो बनते हैं मंगल। अब मंगल कहां बैठे हैं? आपने 10 नंबर में देखो, 10 नंबर जहां कर्म का भाव होता है, कैरियर का घर होता है, हमारे कर्म का भाव, वहां पर कहां बैठे हैं? मंगल। मंगल को शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, फलदीपिका वगैरह ज्योतिष का पुस्तक आप पढ़ेंगे वहां आपको साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा कि मंगल 10वें घर में, सूर्य या मंगल कोई भी यदि 10वें घर में बैठ जाए किसी भी राशि में किसी भी नंबर में, तो 10वें घर में हो तो वो बलवान होता है, उनको वहां पे अतिरिक्त बल की प्राप्ति होती है, तो मंगल को वहां पे दिग्बली माना जाता है। तो ऐसे में एक तो मंगल वहां दिग्बली, ऊपर से वो लग्न के स्वामी हैं तो सफल अमल कृति योग भी लगा दिए। अब एक और बात, मंगल चूंकि मकर राशि में है तो रोचक महापुरुष योग भी लगता है, प्लस मंगल रोचक महापुरुष योग के साथ साथ बैठे किसके साथ है। अब कर्म को जब देखना है तो आप में से बहुत सारे दर्शक पूछते हैं कि आखिर हम काम कौन सा करें, कैसे कार्य करें जिस कार्य में हमें सफलता मिले। कर्म को देखना है तो कर्म के लिए सबसे पहले 10वें घर का विश्लेषण करना अनिवार्य है। 10वें घर का स्वामी कौन है? सबसे पहले इस बात को देखें, 10वें घर का स्वामी शनिदेव है और शनिदेव बैठे कहां है? अपने खुद के मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में बैठे हैं। कुंभ राशि में हालांकि चंद्रमा के साथ बैठे हैं तो मन को असमंजस देता है, विषयोग बनाता है, विषदोष बनाता है, इस बारे में विचार हम बाद में करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखें कि शनिदेव अपने खुद के राशि में 11th हाउस में बैठे हैं। अब दशम से दशम भाव और भावम यहां पर देखा जाएगा। 10वें घर का स्वामी यदि शनि की स्थिति अच्छी है तो 10वें घर से दसवां अर्थात की कुंडली का 7वां घर, वहां से भी कर्म और बिजनेस को देखते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि अब ये अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस भी चला रहे हैं जिसमें दबंग 3 जो अभी निकला है वो उनके अपने प्रोडक्शन हाउस का, और भी कई सारे फिल्म अब वो अपने खुद के प्रोडक्शन हाउस में निकालते हैं। तो ये बिजनेस हो गया, वो एक हीरो है, वो एक एक्टर है, तो वो एक कार्य हुआ। लेकिन वो अपना बिजनेस भी कर रहे हैं अब, तो वो एक बिजनेस भी हुआ, क्योंकि जैसे ही वो प्रोड्यूसर लाइन में आ गए तो वो एक बिजनेस है। अब बिजनेस प्लस कार्य दोनों को भी देखा जाएगा, तो कार्य और बिजनेस को भी 7वें घर से भी देखा जाता है। 7वें घर का स्वामी कौन? 7वें घर का स्वामी चूंकि मेष लगन है तो शुक्र बनता है। अब शुक्र बैठा कहां है, इस बात को देखना है। शुक्र बैठा है इनके कुंडली में, कुंडली के 10वें घर में। अब शनि के राशि मंगल के साथ, अब शुक्र मंगल का मेरे जो डेली के लाइव व्यूवर्स है, कुंडली दर्शन लाइव कार्यक्रम जो मेरे इसी चैनल पर डेली रात में लाइव आता है, जिसमें आप अपने जीवन के किसी भी सवाल का जवाब पाना चाहते हैं डेली लाइव में हम बताते हैं आप लोगों को। अक्सर मेरे लाइव कार्यक्रम में आपने देखा होगा मैंने बोला है कि शुक्र मंगल का योग पर्सनल लाइफ को तो डिस्टर्ब करता है, लेकिन आपने हमारे कार्यक्रम कुंडली में कलाकार बनने का योग वाला ये वीडियो आपने देखा है, उसमें आपने देखा होगा मैंने बोला है कि शुक्र और मंगल यदि मिल जाए तो कलाकार बना देता है। अब यहां पे शुक्र मंगल से मिला ही नहीं है, जबरदस्त तरीके से मिला है। शुक्र शनि के राशि में, शुक्र लग्नेश के साथ और शुक्र मंगल के साथ, शुक्र कला का कारक, कर्म भाव का स्वामी शनि भी अच्छी अवस्था में, प्लस शुक्र का मंगल के साथ मिलन, ऐसे में कला के लिए अद्भुत योग बना रहा है। प्लस शनि का भी कुंभ राशि में जाना, अपने खुद के घर में जाना, कामयाबी की बुलंदियों पर लेके जाना। देखो, कर्म भाव का स्वामी लाभ स्थान में गया, इंप्रूवमेंट प्रोग्रेस प्रमोशन स्थान में गया, तो कर्म भाव का स्वामी लाभ स्थान में गया अर्थात ये जिस फिल्म में काम करेंगे कामयाबी सर चढ़ के बोलेगा। और कला स्टार तो बनाया, शुक्र और मंगल ने इनको सुपर स्टार बना दिया। अब यहां शुक्र मंगल से कुछ और चीज को मैं डिफाइन करना चाहूंगा। देखो, शुक्र क्या है? पुरुष के लिए जो हार्मोन्स होते हैं
स्पर्म जो निकलते हैं उसका कलर व्हाइट होता है, शुक्र उन चीजों का कारक है, और मंगल जो है वो स्त्रियों में जो मासिक धर्म होता है तो उनका कलर रेड होता है, तो उन चीजों का कारक होता है। दोनों के अंदर जो उत्तेजना लाता है इन दोनों चीजों से मानी जाती है। तो ये दो उत्तेजक ग्रह, खास करके पुरुष के ग्रह और स्त्री के ग्रह, यदि एक साथ मिल जाते तो कई बार ऐसे पुरुष या स्त्री में, खास करके पुरुष के कुंडली में हो जाए तो उत्तेजना बहुत अधिक होती है। आपने अक्सर इनका किसी ना किसी रिलेशनशिप में इनका नाम सुना है, बहुत सारे हीरोइंस के साथ, अपने से बड़े उम्र के साथ साथ बहुत छोटे छोटे कम उम्र के हीरोइन के साथ भी इनका नाम आपने सुना है। अक्सर ये संबंधों के कारण विवादों में भी रहे हैं, अर्थात कि विवाह नहीं हुआ, क्योंकि शुक्र मंगल के बारे में मैंने अक्सर बोला है कि शुक्र मंगल कई बार मिलता है तो विवाह से पहले या विवाह के बाद कई बार डिस्टर्बेंस उत्पन्न करता है, डिले मैरिज या डिवोर्स तक की स्थिति उत्पन्न कर देता है। लेकिन शुक्र मंगल इंसान को अत्यधिक कामुक भी बनाता है और उनकी काम इच्छा को पूरा भी करवाता है। और शुक्र चूंकि इनकी इतने अच्छे अवस्था में है, मंगल भी अच्छे अवस्था में उच्च का है, तो इसलिए स्त्रियां, शुक्र क्या स्त्री का कारक ग्रह भी है, स्त्रियां इन पर आकर्षित भी अत्यधिक होती हैं, चाहे वो कम उम्र की हो चाहे वो अत्यधिक उम्र की हो। तो स्त्रियां अपने आप इनके ऑरा एक ऐसा ऑरा बना दिया है कि इनके अपने आप शीघ्र से शीघ्र आकर्षित होती हुई चली जाती हैं। तो इस वजह से स्त्रियों का इनको संपर्क मिला। लेकिन कार्य क्षेत्र में देखो, पर्सनल लाइफ सेट नहीं होने दिया। हालांकि एक और बात यहां पर एक बात मैं बताना चाहूंगा, शादी ना करना इनका खुद का भी कुछ हद तक फैसला है, लेकिन विवादों में तो लाया, ग्रह आधीनम जगत सर्व मंत्रम चो देवता, विवादों में लाया और डिस्टर्बेंस मैरिज लाइफ को करवाया। इनके पास पैसे की कमी नहीं है, लड़कियां इनको बहुत पसंद करती है, लेकिन शादी नहीं हो पा रही। कहीं ना कहीं जो ग्रह इनको कामयाबी के ऊंचे शिखर पर ले जा रहे हैं, मैंने बोला है ना, जरूरी नहीं है कि एक मंगल गांव में क्या करेगा, शहर में क्या करेगा, इंडिया में क्या होगा उसका असर, अमेरिका में क्या होगा, लड़कियों के साथ क्या होगा, लड़के के साथ क्या होगा, साउथ में रहने वालों के साथ क्या असर डालेगा। तो ज्योतिष जब भी की जाए तो देश काल वर्तमान परिस्थिति को देख कर किया जाना चाहिए, ये ज्योतिष का सबसे मूलभूत सिद्धांत है। अब यहां पर एक चीज आप देखो कि शुक्र और मंगल ने इनको कामयाब तो बनाया, कामयाबी के शिखर पर पहुंचाया। स्टार शुक्र कला के कारक, अद्भुत कारक, और शुक्र चूंकि अपने मित्र शनि के घर में गए, मतलब सप्तम भाव का स्वामी भी अच्छे घर में गए, सप्तम भाव में गुरु की दृष्टि भी जा रहा है, इस बात को देखना होगा। अब आप बोलेंगे फिर भी मैरिज क्यों नहीं हो रहा, शुक्र मंगल का मिलन मतलब ये डिले करवा रहा है बहुत ही ज्यादा, प्लस नवांश कुंडली में शनि मंगल भी एक साथ है इनके। मैंने अक्सर बोला अपने लाइव कार्यक्रम में कि शुक्र मंगल और शनि मंगल मेरे लाइफ को डिस्टर्ब करता है। लग्न कुंडली में सप्तमी शुक्र का मंगल से संबंध और नवांश कुंडली में कहीं ना कहीं शनि और मंगल का संबंध, तो ये निश्चित रूप से डिस्टर्बेंस तो उत्पन्न कर रहा है। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि शुक्र सिर्फ यही बलवान नहीं है, कर्म का जो कुंडली होता है, कर्म फल का कुंडली, वो दसवां कुंडली, कर्म फल का कुंडली दशांश कुंडली माना जाता है, D10 चार्ट माना जाता है। तो D10 चार्ट में भी शुक्र की अवस्था अगर देख रहे हैं तो शुक्र मीन राशि में बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव में, सुख वाले भाव में, तो सुख का अंबार इनको लग सकता है। कला के क्षेत्र में उपलब्धियां इनको दिला रहा है, कौन दिला रहा है, शुक्र दिला रहा है, मंगल दिला रहा है, शनि स्वयं अपने, मतलब अपने स्थान से यदि देखें तो अपने खुद की ही दूसरी राशि, अगर वहां से देखें तो धन भाव की राशि भी होगी प्लस इंप्रूवमेंट और लाभ स्थान की राशि भी होगी। तो वहां पर शनि चले गए तो कर्म के भाव के स्वामी भी अच्छे हैं, सातवें घर जहां से भी कर्म का विचार करना चाहिए वो भी अच्छे अवस्था में, कर्म भाव में बैठे हैं, मंगल के साथ संबंध बना दिए, प्लस भाग स्थान पे गुरु की दृष्टि हो गई। तो ये सब कुछ ऐसे योग हैं जो इनको कामयाबी के शिखर पर पहुंचा रहे हैं। अब सवाल आता है कि आखिर ये विवादों में कैसे रहे, इस बारे में भी विचार करना चाहिए। देखो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि ये जिद्दी बहुत है, क्योंकि मेष लगन के जातक कुछ क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं, जिद्दी होते हैं, हुटी स्वभाव के होते हैं। लेकिन यहां पर एक बात को और आपको बताना चाहेंगे कि दयालु भी होते हैं। जिसका भी कुंभ लगन हो या मकर लगन हो या कुंभ राशि हो या मकर राशि हो या शनि से संबंधित कुछ हो, क्योंकि शनि, देखो शनि कर्म को तो करवाता है लेकिन शनि में कई बार दया भावना कुछ हद तक अगर कर्म
आपके सामने ये देखेगा, शनि क्या है, जज है। शनि देखता है कि सामने वाले को यदि मेरी जरूरत है तो कई बार अच्छे कर्म भी शनि करवा देते हैं। इनके अंदर जब वो गिल्टी फील हुआ, बोल सकते हैं जब इनके अंदर जो वो एक्सीडेंट का केस हुआ था और हिरन के शिकार वाला केस, तो हिरन का शिकार वाला केस खैर बहुत बड़ा नहीं था, बट जब एक्सीडेंट वाला केस हुआ था बहुत खतरनाक तरीके से, तो इसके बाद कहीं ना कहीं इनको आत्म पश्चाताप हुआ है। उसके बाद इन्होंने बिंग ह्यूमन के नाम से एक अपना चैरिटी ट्रस्ट खोल दिया, जिसके माध्यम से हजारों बच्चों के लिए इन्होंने निःशुल्क चिकित्सा, शिक्षा और भी बहुत सारे मदद करने का प्रयास किया। आज भी बहुत सारे प्रयास करते हैं, कई सारे पूरे इंडिया ही नहीं विश्व के कई सारे गरीब बच्चों को इन्होंने बहुत मदद किया है। आप इनके फैंस, जब इनकी कोई भी स्टोरी आती है तो आप देख सकते हैं इनके फैंस इनके लिए काफी ज्यादा पागल हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इन्होंने अपना दया भावना भी दिखाया। तो शनि कई बार पछतावा का भावना भी ला देता है, प्लस चूंकि धर्म कर्म का कार्य एक और ग्रह करवाता है, गुरु करवाता है, देवगुरु बृहस्पति करवाता है, तो बृहस्पति चूंकि भाग स्थान पे बैठे हैं, भाई भाग स्थान पे अपनी दृष्टि दे रहे हैं, बृहस्पति की दृष्टि भाग स्थान पे जा रही, प्लस भाग्य स्थान में सूर्य देव स्वयं बैठे हैं, तो इनको दया भावना धर्म का कार्य कहीं ना कहीं बृहस्पति भी करवाता है। अब ये फंसने का सबसे बड़ा कारक है कि केतु और बुध का भी कई बार युति, केतु और बुध की जो युति हुई है, इनके जन्म पत्रिका में प्रश्न, हर जन्म पत्रिका में नहीं, इनके जन्म पत्रिका में केतु और बुध की जो युति हुई है वो इनको अचानक से इनके वाणी के वजह से या एक्सीडेंटल कई बार इनको प्रभाव में ला देते हैं, विवादों में ला देते हैं, लेकिन फिर भी विवादों में लाने के बावजूद भी ये बचकर कुछ मुश्किलों का सामना करने के बाद निकल सकते हैं, क्योंकि यहां पर बुध की स्थिति विपरीत राजयोग भी बना देता है, छठे भाव का स्वामी अष्टम में है तो विपरीत राजयोग भी बना देता है, तो कुल मिला के बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स भी हैं। देखिए इनके कुंडली के बारे में यदि हम विचार करेंगे तो काफी लंबा वीडियो बन जाएगा, तो शॉर्ट में मैंने सोचा कि कुछ ऐसे योग, क्योंकि आखिर ये इतने बड़े कलाकार कैसे बने, इस बात में मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक शॉर्ट में वीडियो बनाया जाए तो आप लोगों के समक्ष रखें। और भी किसी स्टार, किसी प्लेयर, किसी जाने माने आदमी के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं, उनके कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या अपने बारे में करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और डेली रात में लाइव कार्यक्रम, कुंडली दर्शन लाइव कार्यक्रम देखना ना भूलें, जहां आपके कुंडली का विश्लेषण इसी तरीके से करते हैं, आपके कुछ किसी एक सवाल का जवाब लेते हैं। तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और यदि अलग से भी आप अपना कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नंबर है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।